खैर, बात करते हैं एक और मेहमान से। हमारे पैनल में दूसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मयूरेश जोशी। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश, कल की तेजी, परसों की तेजी, बजट स्पीच के दौरान बाजार का पुल बैक, FIs का स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन, ऑप्शंस में काफी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, हेजिंग उन्होंने काफी अच्छी खासी करी है, कैश पे काफी पैसा झोंक रहे हैं, आपको लगता है कि मयूरेश ये तेजी कहां तक चल सकती है? और स्पेशली जो सरकार ने समर्थन दिया है बैंकों को, क्या बाजार ने कॉन्फिडेंस जुटा लिया है अपना एक बार फिर से? क्लियरली वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। जैसे मार्केट्स ने एक एंटिसिपेट किया था, आई थिंक बजट उससे आई थिंक थोड़ा बेहतर ही रहा है। आई थिंक काफी बैलेंस्ड रहा है बजट, और जैसे स्पेंडिंग हुई है रूरल साइड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे, मुझे लगता है काफी इम्पेटस मिल सकता है इफ द मॉनसून इटसेल्फ आर गुड। तो मार्केट्स आई थिंक आर क्वाइट कॉग्निसेंट कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, कि पिक साइकिल है, उसको एक से दो क्वार्टर लग सकता है। लेकिन जैसे फिस्कल टारगेट पे गवर्नमेंट फोकस्ड और फिक्स्ड है 3.5%, RBI के रेट कट्स विल बी सूनर देन लेटर। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक स्पेसिफिक अगर हम एक्शन ले, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, तो आई थिंक दैट विल गोइंग टू बी मच बेटर इन दीज मार्केट्स। कहाँ तक तेजी रह सकती है, आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स भी यही मिरर कर रहे हैं कि तेजी वहाँ भी बरकरार है। तो मुझे लगता है आई थिंक फ्रॉम शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव 200-300 पॉइंट निफ्टी पे इजिली संभव है, जहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, आई थिंक एक्सेसिव कॉल राइटिंग इज़ आल्सो हैपनिंग ऑन द हायर एंड। तो मुझे लगता है इजिली पॉसिबल है निफ्टी की 200 पॉइंट की रैली हो। जी मयूरेश, संक्षेप में रखिएगा, अभी हम डिविडेंड की बात कर रहे थे कि मार्च में किन किन कंपनियों के डिविडेंड आ सकते हैं, उनमें कोल इंडिया, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, अल्ट्राटेक, स्ट्राइड्स, अश्विन शामिल है, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के भी आ सकते हैं, इनमें से किसी शेयर पर आप बेट करना चाहेंगे? आई थिंक काफी कंपनी आई थिंक अनाउंस कर सकती है टू टेक एडवांटेज ऑफ द रूल बिफोर द न्यू रूल किक्स इन। तो मुझे लगता है आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, सियाराम सिल्क मिल्स एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, और काफी कंपनी ने आई थिंक बोर्ड बैठक की बुलाई भी है। तो मुझे लगता है आई थिंक अपार्ट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफ अ लॉट ऑफ PSU बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स, माई टेक इज दैट स्टॉक्स लाइक सियाराम सिल्क मिल हो, या जैसे मैंने अभी भी कहा आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प, आई थिंक दी स्टॉक्स कैन रियली डू वेल, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड ऑल्सो कोर फंडामेंटल्स और कोर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स भी अच्छे लग रहे हैं। जी चलिए, ये जान लेते हैं कि आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है, वो एक शेयर जिस पर आप इंटरडे पर्सपेक्टिव से फोकस कर सकते हैं, बताइए वरुण कौन सा शेयर है? बिल्कुल दिवाल, देखिए आज इस स्टॉक में खबर भी है, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग खबर से पहले, इनफैक्ट मैं जब रात को इनफैक्ट भाव कॉपी देख रहा था, और इनफैक्ट जब डिलीवरी रिपोर्ट्स दिख रहा था, तब मैंने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था। फ्रेंकली स्पीकिंग आज का स्टॉक है फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस, कल 21.90 पे क्लोज हुआ, कल 70 पैसे का इजाफा था, कल लगभग 3.25% ऊपर था, कल करीब करीब 6,11,000 शुरू का कारोबार हुआ था। देखिए करीब माफ कीजिएगा 61 लाख शुरू का, नहीं माफ कीजिएगा 6 लाख शुरू का दीपाली। तो यहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं कि कल इस स्टॉक ने कल एक मूव लिया, स्ट्रांग मूव लिया, 23 रुपए तक गया, हल्का सा रिट्रेस हुआ बाद में, लेकिन आप देखिए कल क्या किया इसने, ये अपने तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर 200, 100 और 50 तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ। साथ ही साथ 10 दिन का सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स कल के सेशन में था। तो माइट बी आज जो न्यूज है, लेटर आपको दीपाली बता भी देंगे, मैं बता दूंगा आपको, मैं उसके एंटीसिपेशन में काउंटर चल रहा था। और देखिए चार्ट के लिए क्या ये प्रूव कर रहा है कि पहला टारगेट क्या होगा, 2550, पहला टारगेट 2550, और 2550 निकाल देता है तो उसकी बात पॉसिबिलिटी बन भी जाएगी कि ये 27-27.20 पे जाए। देखिए मेरे पे चार्ट के लिए बहुत कुछ कहने को नहीं है, लेकिन आई थिंक प्राइस वाइज और एक एक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही थी इसमें। 43% और 48% के कल डिलीवरी वॉल्यूम्स थे इस रेंज में, 200 डेमा के पास, 1867 से लेकर 2130 के बीच में इसमें अचानक डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी बढ़े हैं। सो आपके पास एक अच्छा बेस है, पहला लेवल जिसका मैं इंतजार करूंगा वो है 25-20। याद रखिए मैंने अपर फ्रीज से 30 पैसे ही पहले इसको समेटने की एक पॉसिबिलिटी जताई है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अपर फ्रीज एज वेल। फ्यूचर कंज्यूमर दीपाली इस पर नजर रख के चलिएगा। तो फ्यूचर कंज्यूमर आज का स्टॉक ऑफ द डे है, आज फ्यूचर ग्रुप पर खबर भी है, हालांकि इसका रिफ्लेक्शन फ्यूचर रिटेल पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खबर है कि फ्यूचर ग्रुप की ट्रेंड हाइपर मार्केट के साथ करार की योजना है और इसको लेकर आज ऐलान हो सकता है, तो पूरे फ्यूचर ग्रुप पर नजर रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा क्योंकि जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयर्स की, क्योंकि गाड़ियों के लिए एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी का ड्राफ्ट सरकार ने तैयार कर लिया है, इस पर बातचीत करेंगे, इसके इंप्लीकेशन क्या होंगे, किन स्टॉक्स पर आपको बेट करना है बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अधिक बे
वैली संकू पर एसएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है और एक अभी जरूरी खबर आपके हमारे एसबीआई और बहुत सारे लोगों के लिए। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल विजय माल्या की गिरफ्तारी को लेकर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में एक दरख्वास्त दी है। दरअसल देखिए विजय माल्या जी को मोटा पैसा मिला है, $75 मिलियन कोई कम रकम तो होती नहीं है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डर ये सताने लगा है कि कहीं विजय माल्या देश से बाहर न चले जाए। ऐसे हिस्टोरिकली बहुत सारे अगर आप देखें इंस्टेंसेस रहे हैं जहां पर क्राइम या फिर डिफॉल्टर्स जो होते हैं वो जाके बाहर स्थापित हो जाते हैं, फिर उनको ले आना मुश्किल हो जाता है। और याद रखिए विजय माल्या के संदर्भ में बात कही जा रही है क्योंकि उनका एक गृह निवास, उनका एक घर जो है उनके पास लंदन में भी है। इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अब ये डर सता रहा है और इसीलिए अगर आप देखें तो वहां के उन्होंने बैंगलोर के डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में एक दरख्वास्त दी है कि या तो उनको अरेस्ट किया जाए क्योंकि उनके पास उनके ऊपर काफी डेट है, वो अब तक चुका नहीं पा रहे हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स की श्रेणी में हमने उनको रखा है। और उन्होंने ये भी मांग की है कि उनका पासपोर्ट एटलीस्ट जब्त कर लिया जाए तो ताकि वो विदेश यात्राएं ना कर पाए और विदेश में स्थापित होने की किसी भी पॉसिबिलिटी पे आई थिंक वो विराम लगा सके। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये दरख्वास्त की है। बिल्कुल, और दरख्वास्त दी है कि अरेस्ट किया जाए, पासपोर्ट जब्त किया जाए। हालांकि यूनाइटेड स्पिरिट्स और एसबीआई दोनों पर ही कमेंट ले लेते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स से हालांकि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इस न्यूज का क्योंकि ऑलरेडी विजय माल्या स्टेप डाउन कर चुके हैं चेयरमैन की पोस्ट से, लेकिन इन दो स्टॉक्स पर बात इसलिए करते हैं क्योंकि एसबीआई कल स्ट्रॉन्ग गेंस के साथ क्लोज हुआ डे हाई पर, यूनाइटेड स्पिरिट्स डे लो पर क्लोज हुआ था। मानस, एसबीआई पर ऑलरेडी आपका पॉजिटिव व्यू है, 192 के टारगेट्स आप रिकमेंड कर रहे हैं, पर यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर अप्रोच क्या है? देखिए हमने पिछले 3-4 दिनों में जरूर करेक्शन देखा है यूनाइटेड स्पिरिट्स में, बट मैं समझता हूँ कि ये अब मंदी का टाइम नहीं है क्योंकि हम करीब करीब 3600 से लोअर टॉप फ्लोर बॉटम देख रहे थे। पिछले दिनों स्टॉक ने 2200 के आसपास बेस बनाया, रिकवरी देखने को मिली, उस रिकवरी में स्टॉक ने एक हायर टॉप बनाया जब स्टॉक ने 2675 के लेवल्स को ब्रेक किया, तो ये हायर टॉप का कंफर्मेशन तो है। मैं समझता हूँ कि शायद लोअर लेवल्स पे करीब करीब 2400 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेगा और फिर से हमें एक रैली देखने को मिलेगी और उस रैली में स्टॉक अपने रीसेंट हाई को ब्रेक करके कहीं ना कहीं 2950 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो मेरी राय में तो यहाँ पर बिकवाली नहीं करनी चाहिए, थोड़े से डिप पे 2400 के आसपास बाई करें, स्टॉप लॉस 2200 का लगाएं और टारगेट कम से कम 2800 के सेट करके चलें। जी, इस बीच एक और खबर अगर आप देखें ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई है और महत्वपूर्ण खबर है। देखिए ऑटो पर प्रभार तो भार जो है बजट में बड़ा है, चाहे वो चाहे अगर आप देखें टैक्सेस जो बढ़ा दिए गए हैं SUVs पर, साथ ही साथ 10 लाख से ऊपर की गाड़ियों पर, डीजल गाड़ियों पर, लेकिन एक राहत देने की कोशिश भी की है। देखिए बीते 10 दिन से बात भी हो रही थी कि आप कैसे इंसेंटिवाइज करें उस सोच को जो ये है कि पुरानी गाड़ी हटाओ और नई गाड़ी लेके आओ। तो पुरानी गाड़ियों के एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी का जो है वो ड्राफ्ट तैयार है और ये पॉलिसी क्या है, इसका मतलब ये होगा कि पुरानी गाड़ी का सरेंडर जब आप करेंगे तो आपको नई गाड़ी की जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें से ऑलमोस्ट 50% की छूट मिल जाएगी। ये बड़ी खबर है, देखिए ये छोटी मोटी खबर नहीं, आई थिंक ये वॉल्यूम्स जनरेट करने के लिहाज से ऑटो क्षेत्र के लिए, चाहे वो टू व्हीलर स्पेस हो, चाहे वो फोर व्हीलर स्पेस हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, सबके लिए काफी अच्छी खबर है। मयूरेश, आपकी राय क्या होगी इस पर और मैं जानना चाहूंगा अभी आपकी ऑटो में टॉप पिक क्या है, वो ऐसा स्टॉक जिसको आप लोग चेस कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, थिंक मार्केट उम्मीद लगाए बैठा था स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर और जैसे आप कह रहे हैं अगर ये आता है तो आई थिंक काफी पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है स्पेसिफिकली आई थिंक वो एक हद तक कम हो जाती है बिकॉज ड्यूटीज विल कम डाउन। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प हमें काफी पसंद आ रहा है। प्रिमाइस यही है कि जो वॉल्यूम्स कंपनी ने दर्शाए 550,000 यूनिट्स के ये महीने में इज क्वाइट रीजनेबल और हमें आगे जाते वक्त लगता है जो बिट्टा मार्जिन से 15% के मेंटेन करनी चाहिए कंपनी। इफ वॉल्यूम्स आर गुड, रूरल इनकम्स और रूरल वॉल्यूम्स 50% होते हैं हीरो मोटोकॉर्प के लिए और वैल्यूएशन भी आई थिंक इतने महंगे नहीं है, तो मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर्स में टॉप पिक रहेगी। विद इन द सीवी स्पेस मुझे लगता है अशोक लेलैंड एक बहुत बढ़िया पिक रह सकता है। ईवी बिट्टा पर 11 टाइम्स चल रहा है, मुझे लगता है अर्निंग्स ग्रोथ कैन बी क्वाइट गुड, एक्सपोर्ट्स कैन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू द अर्निंग्स इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, तो टारगेट ऑफ क्लोज 110 ऑन अशोक लेलैंड फ्रॉम द सीवी स्पेस। जी, इनफैक्ट ऑटो शेयरों की बात हुई है तो मानस, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर आपकी राय क्या रहेगी? कल करीब करीब 6% के आसपास की कमजोरी के साथ ये स्टॉक अगेन डे लो पर क्लोज हुआ। कल नेगेटिव न्यूज फ्लो भी था, ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स ने सेल्स कंसर्न्स के बीच में जो रेटिंग है वो घटाई है शेयर की और कल ऑलमोस्ट 1199 के आसपास ही क्लोज हुआ है 1200 के लेवल्स के नीचे। अभी अप्रोच टेक्निकली आपकी क्या होगी शेयर पर?
देखिए टेक्निकली ऐसा लगता है कि 1250 और 1300 एक बड़ा हर्डल है एमएनएम के लिए, और जब तक ये लेवल्स ब्रेक ना हो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ना ही बनाए तो बेहतर है। देखिए फोर व्हीलर स्पेस में अगर आप बात करिए तो टाटा मोटर्स से मारुति या एमएनएम तीनों ही स्टॉक बहुत पॉजिटिव ही लगते हैं। एमएनएम मारुति ने जरूर पिछले दो दिनों में एक रिकवरी दिखाई है, बट चार्ट्स अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगते हैं, ऐसा लगता है कि शायद हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। बट दो पिक जो मयूरेश जी ने डिस्कस की, हीरो मोटोकॉर्प और दूसरा अशोक लेलैंड, दोनों ही स्टॉक चार से बहुत बेहतरीन लगते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि इन्हीं दोनों स्टॉक पे बेट करना चाहिए, चाहे आपका ट्रेडिंग का नजरिया हो या इन्वेस्टमेंट का नजरिया हो, इन्हीं दोनों स्टॉक पे बेट करें तो बेहतर रहेगा। जी चलिए अब एक और खास मेहमान हमारे साथ टी एस हरिहर है बात करने के लिए। हरी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। हरी, वाकई अगर आप देखें पिछले तीन दिन में और इस हफ्ते में बाजार की शक्लो सूरत बदल गई है, टेक्निकल्स पे, फंडामेंटल्स पे, और आई थिंक बैंक्स ने इस पुलबैक में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। हरी, आपका इस पुलबैक में, इस मार्केट की पिछले तीन दिन की रैली में कितना कन्विक्शन है, और अभी आप राइड करना चाहेंगे इस रैली को? मेरे ख्याल से दो तीन चीज काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हमें एक बात याद रखना चाहिए कि ये जो रैली हुआ है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएस में भी हुआ है। फॉर एग्जांपल जो यूएस मार्केट्स जनवरी से 11% करेक्ट हुए थे, आई थिंक वहां से लगभग 8% ऑलरेडी रिकवर्ड इन द लास्ट फ्यू डेज। तो ये जो रिकवरी है ये इंडिया का सिर्फ एक फिनोमिनन नहीं है बट एक ग्लोबल फिनोमिनन है। तो मेरे ख्याल से इट इज पॉसिबल दैट दिस रिकवरी में लास्ट फॉर अ फ्यू मोर डेज। जहां तक निफ्टी का सवाल है, आई थिंक 7500 एक बहुत क्रिटिकल लेवल रहेगा। यदि 7500 एक कन्विक्शन के साथ हम लोग ब्रेक करते हैं तो आई थिंक फर्दर अपसाइड्स की उम्मीद की जा सकती है। मेरे ख्याल से जहां तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है, एक ब्रॉड बेस रीरेटिंग हो रहा है, क्योंकि यदि जैसे आरबीआई ने कहा जो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को टियर वन कैपिटल में इंक्लूड किया जाए तो 3,500 करोड़ का जो इजाफा होगा पीएसयू बैंक्स को, इससे एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और मेरे ख्याल से सारे बैंकिंग सेक्टर का एक रीरेटिंग हो सकता है। तो आई वुड बिलीव दैट निफ्टी में 7500 का लेवल देखिए और बैंकिंग का खास करके पीएसयू बैंक्स, एसबीआई, बीओबी, पीएनबी का रुझान देखिए, मेरे ख्याल से दैट विल बी क्रिटिकल फॉर द मार्केट्स टू गो अहेड। पर मुझे लगता है कि फाइनली मार्केट सीम्स टू बी ऑन अ साउंड फुटिंग। जी, इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखें जिन पर आज खबरें हैं। भारत फोर्ज पर नजर रखिए, यहां पर खबर यह है कि एलआईसी ने भारत फोर्ज में स्टेक बढ़ाया है 2.202% से और करीब करीब 47 लाख शेयर खरीदे हैं ओपन मार्केट से भारत फोर्ज के। लेकिन कल भारत फोर्ज ही नहीं, अगर आप पूरी ऑटो एंसिलरी पैक को देखें तो स्ट्रांग बाइंग मोमेंटम में था। टायर स्टॉक्स कल चल रहे थे, कल बैटरी स्टॉक्स में जोरदार मजबूती थी, स्पेशली आखिरी घंटों में मजबूती और स्ट्रेच हुई थी। ओएम्स में भी अच्छी मजबूती कल के सेशन में रही थी, कम से कम 5% से ज्यादा से ज्यादा 11-12% तक की बढ़त इन सभी स्टॉक्स में दिखी है। हरी, ऑटो एंसिलरी पैक से कोई स्टॉक अभी आपको अच्छा लग रहा है दो सेशन के मूव के बाद, जहां आपको लगता है कि तेजी का स्कोप अभी भी है? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो बजट या तेजी से कोई खास फर्क पड़ा नहीं है, पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें हम फंडामेंटली काफी प्रेफर कर रहे हैं। आई थिंक करंट लेवल से भारत फोर्ज एक अच्छा बेट लग रहा है, जो कि एक डाइवर्सिफाइड प्ले भी है, उसमें एक डिफेंस कंपोनेंट भी है, तो इन दोनों बातों को मिला के भारत फोर्ज में अच्छा लग रहा है। और दूसरा स्टॉक मदरसन सुमी है, जो कि 400 से लगभग 220 तक करेक्ट हो चुका है, और आई थिंक ये जो रेंज है 220 से 240 का एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन रेंज हो सकता है। और हम मानते हैं कि यहाँ पे यदि मदरसन सुमी को खरीदा जाए तो नॉटविथस्टैंडिंग व्हाट हैपेंस इन द वोल्क्सवैगन केस, आई थिंक मदरसन सुमी डेफिनेटली ये लेवल पे एक अच्छा वैल्यू दे सकते हैं। जी सर, साथ ही अगर आप देखें, आप स्टॉक्स टू वॉच की लिस्ट पूरी देख सकते हैं अगर आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में स्टॉक है। एचपीसीएल 11 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक है, अंतरिम डिविडेंड को लेकर ऐलान संभव है, एचपीसीएल पर नजर रख के चलिएगा। सेंट्रल बैंक एलआईसी को शेयर जारी करने पर बोर्ड की मंजूरी और 52.66 रुपए प्रतिकूल पैसे पर 166 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल शेयर जारी किए जाएंगे, तो सेंट्रल बैंक पर नजर रखिएगा। एनएचपीसी तीस्ता डैम प्रोजेक्ट आज से शुरू होगा और 40 मेगावाट का ये जो डैम है प्रोजेक्ट वो पूरा हुआ है। उसके बाद टाटा स्टील जमशेदपुर इकाई की क्षमता विस्तार को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है, तो टाटा स्टील के लिए अच्छी खबर है। क्षमता विस्तार पर 11 एमटीपीए करने की योजना है, क्षमता विस्तार किया जाएगा। उसके बाद एनबीसीसी 11 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक है और शेयर विभाजन को लेकर जो अंतिम फैसला है उसमें संभव है। बाकी स्टॉक्स जी, इसके अलावा टाटा मोटर्स पर नजर रखिए, फरवरी जेएलआर बिक्री जो है वो
बढ़कर करीब 277 यूनिट रही है। इसके अलावा एवरेडी इंडस्ट्रीज पर फोकस कर सकते हैं, खबर इंपॉर्टेंट है। चाय कारोबार को कंपनी अलग कर सकती है और अलग इकाई में ट्रांसफर करने की योजना बनाई जा रही है। मैक्लोड रसल के प्लांटेशन कारोबार के साथ इस चाय कारोबार का विलय हो सकता है। कल करीब 6 रुपए बढ़कर बंद हुआ था स्टॉक। नजर रखिए आज के सेशन में, नजर रखिए हिताची होम बजाज इलेक्ट्रिकल्स जैसी कंपनीज पर, क्योंकि सस्ते एसी और पंखे बेचेगी सरकार और मासिक किश्तों पर इन प्रोडक्ट्स को बेचेगी, तो इन स्टॉक्स पर भी आप फोकस कर सकते हैं। और एक्सन फार्मा पर भी खबर आपको बता देते हैं फटाफट से। कंज्यूमर हेल्थकेयर कारोबार में विस्तार की योजना है, पेप मेल्ट जल्द लॉन्च करने की योजना है कंपनी की। हालांकि कल ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था, ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी, लेकिन सन फार्मा करीब 16 रुपए की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ था। लेकिन मयूरेश, मैं दो स्टॉक्स पर आपके कमेंट्स देना चाहती हूँ जहां पर बजट अनाउंसमेंट का एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन दिखा है। एक तो प्रभात डेयरी जो कल 20% के अपर सर्किट पर क्लोज हुआ, उससे पहले सेशन में भी 10-12% चला था, और दूसरा शक्ति पंप्स, दो सेशन में ये स्टॉक भी 40% चल चुका है। डेयरी और इरिगेशन पर जो एलोकेशन बढ़ा है उसके बाद अच्छी मजबूती दोनों स्टॉक्स में दिखी है, लेकिन अप्रोच आपकी क्या रहेगी? क्लियरली आई थिंक दोनों स्टॉक कवरेज में है नहीं, लेकिन अगर हम देखें जैसे मैं पहले भी कह रहा था, आई थिंक इरिगेशन में 86,500 करोड़ गवर्नमेंट एलोकेट करेगी 5 सालों में, 17,000 करोड़ ये साल में, तो मुझे लगता है आई थिंक काफी कंपनीज हैं जो बेनिफिट कर सकती है। स्पेसिफिकली सद्भावना इंजीनियरिंग काफी पसंद आ रही है, क्योंकि आई थिंक 60% 70% कम्स फ्रॉम रोड्स, 15% माइनिंग और 15% इरिगेशन से आते हैं, और काफी प्रोजेक्ट्स आई थिंक ये रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों में जीतते हैं जहाँ पे IRRs अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है सद्भावना इंजीनियरिंग बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। रूरल स्पेंड के हिसाब से भी आई थिंक जैन इरिगेशन एक बहुत बढ़िया पिक हो सकती है, बट वन रियली नीड्स हैज टू गिव टाइम, आई थिंक 1.5 से 2 साल देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आई थिंक डेट इक्विटी कम होगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, रिसीवेबल डेज कम होंगे, मुझे लगता है कैश फ्लो इंप्रूवमेंट और रिटर्न रेशियोज इंप्रूवमेंट आएगी, बट इट विल टेक एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर्स फॉर इंप्रूवमेंट टू स्टार्ट शोइंग ऑन बैलेंस शीट। इसलिए 2 साल का व्यू हो तो जैन इरिगेशन भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप 2-3 स्टॉक्स वॉच और देख लीजिए। मारुति, जैसे कि हमने बात की थी कि एंड ऑफ लाइफ स्कीम का जो है वो असर इस पूरे सेक्टर पड़ेगा, तो मारुति टाटा मोटर्स तमाम कंपनी लेके जा सकते हैं। उसके बाद आप एक देखिए पीसी जरास, गुजरात में हड़ताल अनिश्चित काल के लिए लागू किया गया है, तो ये 2 स्टॉक्स और है जो आपके डार पे होने चाहिए। बाकी अगर आप देखें खबर में श्री इंफ्रा की और साथ ही साथ फ्यूचर रियल के आपको दे चुका हूं। हरी, ऑटो स्टॉक्स में आपका कन्विक्शन कितना है इस वक्त? आई मीन ये एंड ऑफ लाइफ जो स्कीम जिसकी बात की जा रही है, आई थिंक ये क्या वॉल्यूम्स जनरेट करने में फायदा देगी इन कंपनियों को, और आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है इस वक्त ऑटो स्पेस पे? हम ऑटो में कुछ दिनों से न्यूट्रल रहे, वी आर नॉट बीन पॉजिटिव और नेगेटिव, पर खास करके ये जो बजट में दो तीन अनाउंसमेंट्स आए हैं, पहला तो जो लग्जरी कार्स और एसयूवीज पे एक एडिशनल 1% TDS की बात चल रही है, वो आई थिंक दैट इज स्लाइटली नेगेटिव फॉर द ऑटो सेक्टर। दूसरी बात है कि अक्रॉस दी जो ऑटो स्पेस है उसमें एक एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लगाया गया, तो इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि शायद ऑटो पर जरा प्रेशर रहेगा। जहां तक महिंद्रा का सवाल है, मुझे एक एडिशनल नेगेटिव ये भी लग रहा है कि GST रोडमैप की उम्मीद की जा रही थी बजट में, लेकिन इस बजट में GST का कोई जिक्र नहीं हुआ। GST से काफी फायदा M&M को हो सकता है, बिकॉज उनका ओवरऑल ड्यूटी स्ट्रक्चर लोअर हो सकता है, तो आई थिंक इन सभी बातों को देखकर मुझे लगता है कि शायद ऑटो सेक्टर इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म शायद प्रेशर पे रहेगा, और आई डोंट थिंक वी विल बी पिकिंग एनी स्टॉक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी चलिए, 9 बजे है, वक्त हो गया शेयर बाजार लाइव को ही समेटने का। हर रोज की तरफ शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। सबसे पहले आप देख लीजिए हेडलाइंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं रजत। फर्स्ट ट्रेड में आप सभी का स्वागत है, और सबसे पहले इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले तेजी का संकेत दिखा रहा है क्या SGX निफ्टी, उसी से शुरुआत करते हैं। SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लगभग इस वक्त 43 अंकों पर 7,404 का स्तर है। याद रखिए आज किन किन सिरप स्टॉक्स पे, किन किन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए। देखिए बैंकिंग तो है ही, बैंकिंग ने हमको 6825 से 74 लाख खड़ा कर दिया, तो बैंकिंग एक बार फिर से अगर आप देखें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। दूसरी बात, हमने जिस स्कीम की बात करी यहां पर एंड ऑफ लाइफ स्कीम की, जिसका ऐलान संभव है, ये पूरे के पूरे ऑटो स्पेस को आज थोड़ा सा वाइब्रेंट बना सकती है, तो आज ऑटो पर आपकी नजर होनी चाहिए, बैंक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, और स्टॉक्स टू वॉच की लिस्ट में तमाम स्टॉक्स थे। लेकिन उससे पहले आप एक और चीज देख लीजिए कि इस वक्त एशियन मार्केट्स कितने किस तरीके से कारोबार कर रहे हैं। हैंगसेंग बैकफुट पे है, भले ही थोड़ा डाइवर्जेंस है कुछ इंडेक्सेस में, शंघाई करीब 5 अंकों पर है, फ्लैट कारोबार कर रहा है,
हैंगसेंग बैकफुट पे है, और बाकी अगर आप इंडस्ट्रीज को देखें तो यहां पर निक्कई लगभग 148 अंकों पर कारोबार कर रहा है, और आपका एसजेएक्स निफ्टी खड़ा है करीब 50 अंकों पर। तो एशिया बाजार थोड़े से अगर आप देखें मिले जुले हैं, लेकिन एसजेएक्स निफ्टी में क्लियर कट एक तेजी है। अब आपकी स्क्रीन पर इंडिकेटिव एक्शन, लगभग 43 अंकों पर निफ्टी करीब 7414 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, और 44 अंकों पर ही सेंसेक्स है। आज बैकफुट पे बीपीसीएल एचपीसीएल खड़े हैं, यहां पर ओएमसी स्टॉक्स में थोड़ी सी नरमी है, गेल में नरमी है। एमएनएम लगभग 2 रुपए ऊपर 1201 के स्तर पर कारोबार करता हुआ, भारतीय एयरटेल लगभग 3 रुपए ऊपर है, मारुति में करीब 37 रुपए का इजाफा। जैसा कि हमने एक कयास लगाया था कि आज ऑटो कॉन्फ्रेंस में तेजी होगी, वहां पे तेजी है, और इस बीच अगर आप देखें रुपया करीब 6734 की ट्रेजेक्ट्री में। तो देखिए कोई बहुत बड़े फ्रैक्शन से ओपनिंग नहीं हुई है, आप ये कह सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में जो रेंज एक्सपेक्टेड थी उसी अगर आप देखें दायरे में इस वक्त रुपया कारोबार कर रहा है। इसको छोड़ते हैं क्योंकि अगर आप देखें बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं है। एक बार थोड़ा सा इंडिकेटिव एक्शन को और मैच्योर जो हो रहा है उसको देख लेता हूं। यहां पे टाटा मोटर्स 8 रुपए ऊपर, तो ऑटो में अच्छी खासी तेजी। एचडीएफसी बैंक लगभग 9 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है, और एक बजाज ऑटो बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, इस पर कोई बदलाव नहीं है। और आईटीसी इस दौर का सबसे हैंडसम स्टॉक, इस पर 3 रुपए ऊपर रजत। बिल्कुल देखना होगा आज बैंकिंग शेयर्स की ओपनिंग कैसी होती है, साथ साथ आईटी शेयर्स पर फोकस जरूर रहेगा मार्केट का। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, साक्षी और अंचल। सबसे पहले साक्षी आप बताएं आज की ट्रेडिंग पिक्स। शुक्रिया रजत, शुरुआत करेंगे आज राकेश बंसल की पिक्स के साथ। डॉक्टर लालपात लैब पर खरीदारी की राय है, टारगेट बताया 911 का, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं हम 814 का। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी ये पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं, टारगेट बताया 196, स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए कहा है 172 का। आशीष अंदानी की तरफ से राय है, हिंडालको पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट बताया 80 का, और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 71 का। इसके अलावा एक्सिस बैंक पर भी खरीदारी की राय है इनकी, टारगेट बताया 415, स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 403 का। आज के आखिरी ट्रेडिंग आइडियाज यहां पर जगदीश ठक्कर की तरफ से हैं, खरीदारी की राय है इनकी भी। डॉक्टर रेडीज पर टारगेट बताया 3050 का, और स्टॉप लॉस बताया 2980 का। इनकी आखिरी पिक है टाटा स्टील पर, पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं, टारगेट बताया 275, और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 260 का। अंचल आप बताएं ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स में क्या आउटकम है, कौन से स्टॉक्स हैं जो वैल्यू बेहतर दिखा रहे हैं ऐसे में मौजूदा स्तरों पर। शुक्रिया, अभी वृंदा आईटीसी की बात कर रहे थे, पहली रिपोर्ट आईटीसी पे ही है, जेपी मॉर्गन ने आईटीसी की रेटिंग को चेंज किया, न्यूट्रल से बढ़ा के अब ओवरवेट किया, टारगेट को भी बढ़ाया 340 से बढ़ा के 370 किया है। वहीं सिटी ने आईजीएल के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है, बेसिकली उनका मानना है ऑड इवन से आईजीएल जो गया सीएनजी की मांग है वो बढ़ती हुई दिखेगी, और इसीलिए बाई की रेटिंग दे रहे हैं सिटी, और 632 का टारगेट है। साथ ही कोल इंडिया के ऊपर सिटी की एक और रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह है, 380 का लक्ष्य है। जो देश की मारी है उससे कहीं ना कहीं डिस्कॉम्स की दिक्कतें सॉल्व होती हुई दिखेंगी, और उससे सीधे तौर पर कोल इंडिया को फायदा होगा ऐसा सिटी मानता है। अगर बात करें यूपीएल की तो एचएसबीसी ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, पूरे सेक्टर में उनका मानना है यूपीएल सबसे बेहतरीन पिक है, खरीदारी की सलाह है, टारगेट 575 का दे रहे हैं, ओवरऑल मार्जिन इंप्रूव होने का अनुमान है, और आगे चल के एक अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक रह सकता है। और स्टील के ऊपर कंसाइज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने रिपोर्ट जारी की जिसमें टाटा स्टील उनकी टॉप पिक है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 382 का टारगेट है। राइट मिस्टर हरिया, आईटीसी ये स्टॉक क्या किया जाए, एक्टिव हुआ बजट के बाद, लेकिन क्या आपको लगता है यहां से और चढ़ सकता है, और व्हाट्स योर फेयर वैल्यू जो आप आईटीसी में समझते हैं अभी? आईटीसी पे दो कॉन्ट्रेरियन फोर्सेस अभी फिलहाल खेल रहे हैं। पहला फोर्स तो ये है कि ये जो बजट में एक बहुत बड़ा रूरल स्पेंडिंग का अनाउंसमेंट हुआ है, इससे डेफिनेटली आईटीसी की एफएमसीजी बिजनेस को काफी हद तक फायदा पहुंच सकता है। बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट यू नीड टू रिमेंबर दैट जहां तक आईटीसी के प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, इनका सिगरेट बिजनेस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल, और सिगरेट पे डेफिनेटली हमने देखा है कि लगभग 10-15% एक्साइज हाइक की अनाउंसमेंट की जा चुकी है, बोथ फॉर दैट बिलो 65 mm एंड अबव 65 mm सिगरेट्स। तो जहां तक इनका कोर बिजनेस है प्रेशर रहेगा, मैं मानता हूं कि बिकॉज ऑफ द शार्प करेक्शन शायद एक 5-10% का बाउंस मिल सकता है, बट एनी बाउंस शुड बी यूज्ड टू सेल आईटीसी। राइट, लेकिन ऑप्शंस के जरिए भी रणनीति बना सकते हैं, पिछले कुछ दिनों में देखा है कि ऑप्शंस बहुत एक्टिव हुए, और इनफैक्ट वीरेंद्र इनफैक्ट दो स्टॉक्स जो आपको लगता है कि यहां से इन मौके इस मौके पे भी काफी अच्छी एक्युमुलेशन दिखा सकते हैं जहां पर टेक्निकल पैरामीटर्स बहुत स्ट्रांग हैं। देखिए कल रजत थे, दो तीन स्टॉक्स में ना ऑप्शन एक्टिविटी काफी अच्छी खासी थी, और उसमें से मैंने दो स्टॉक्स पिक किए हैं, उसमें है पहला तो अशोक लेलैंड। जरा प्लीज चार्ट्स पे आ जाइए आप अशोक लेलैंड के, और देखिए कितने बेहतरीन ब्रेकआउट की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है, 94.20 पे ऑलमोस्ट 95 पे आ चुका है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। अब आप देखिए अशोक लेलैंड में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको डर लग रहा है स्टॉक बहुत चल चुका है लेकिन फिर भी तेजी भी और आनी बाकी है, तो याद रखिए मार्च की इसकी 97 की, 95 की और 100 की कॉल में काफी एक्टिविटी है, और इसकी 90 की पुट बिकी भी काफी है, यानी स्टॉक 90 से 92 के बीच में बेस बना रहा है, और 100 से 105
तक जाने के संकेत भी दे रहा है। इसकी 97.50 रुपए की कॉल, आप इसमें कामकाज कर सकते हैं, 2.5 रुपए की हार्डली कॉल है, और क्योंकि आप सीरीज के अभी भी बहुत स्टार्टिंग में बैठे हैं तो आप इस कॉल पे कामकाज कर सकते हैं। देखिए 2.5 रुपए की कॉल, 1.5 रुपए की कॉल है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए करीब करीब 98 या फिर करीब 80 पैसे नीचे का, और लगभग लगभग इसके दोगुने होने का इंतजार करिए। तो इस ऑप्शन पे आप काम करिए, क्लियर कट ब्रेकआउट की तरफ स्टॉक पड़ रहा है, क्लियर कट ब्रेकआउट की तरफ। तो हमें करना क्या है, 9750 का कॉल ऑप्शन लेना है अशोक लेलैंड का। दूसरी कॉल क्या हो सकती है आज, एक्सिस बैंक को देखिए। देखिए पूरा बैंकिंग स्पेस चला, पीएसयू बैंक चले, लेकिन अब तक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस नहीं चले हैं। कल इसने एक लेवल को दस्तक दी, वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 407 पे टिका। अगर ये स्टॉक देखे पुलबैक चलने लगा तो याद रखिए 433, 425, 430, 435 का लेवल पॉसिबल है, और इसीलिए मैं स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल इसकी 420 की कॉल खरीदूंगा। याद रखिए जैसे ही 408 पार किया 420 की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो यहां पर 420 की कॉल, लगभग लगभग 1.5 लाख शेयर जहां जुड़े थे उसको आप खरीद के चल सकते हैं, अच्छी स्ट्राइक है खरीदने लायक है। राइट, इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे उसमें एनबीसीसी फोकस में, 11 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक, इसमें शेयर विभाजन पर मंजूरी संभव है। बानस आपकी राय, एनबीसीसी क्या लगता है यहां से चढ़ेगा आफ्टर बजट, स्टॉक एक्टिव हुआ है सर, 927 के लेवल पे क्या करेंगे आप? देखिए एनबीसीसी की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंतजार करें, एक बार स्टॉक 920 की लेवल्स के ऊपर निकले तब तो आप वहां पर लॉन्ग बनाएं, अदरवाइज अवॉइड करें, क्योंकि देखिए 200 डे मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज सब इसी रेंज में आता है, तो एक बार क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिले तब बाय करें, क्योंकि अगर 920 के ऊपर स्टॉक जाएगा तो कम से कम 990 और 995 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में 920 के ऊपर बाय करें और 890 का स्टॉप लॉस रखें। मानस, अगर आपको अशोक लेलैंड या फिर एक्सिस बैंक, दोनों कॉल्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इनमें से अगर एक पिक करना हो, उसमें से भी मैंडेट लेता हूं मैं आपका, तो आप कौन सा पिक करेंगे? देखिए बेटर तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड लगता है, क्योंकि यहां पर आउट परफॉर्मेंस पहले भी देखा गया, और अगर आप पिछली गिरावट में देखें तो भी स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लिया है। अब मैं केवल इतना समझता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो बेहतर हैं, इसलिए यहाँ पर बेट करना चाहिए। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो 97-99 के रेजिस्टेंस से आने वाले टाइम में वो ब्रेक होंगे, स्टॉक कहीं ना कहीं 110-115 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा, तो मेरा बेट डेफिनेटली यहाँ पर रहेगा और अपने स्टॉप लॉसेस 84 के नीचे लगाए। ऑटो का जिक्र कर रहे हैं तो जो पुरानी गाड़ियों के लिए एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसमें पुरानी गाड़ियां सरेंडर करके नई गाड़ियों पर इंसेंटिव मिलेगा, ऑटो स्टॉक्स पे आपकी राय मयूरेश, अगर यहां पर कोई पिक करना हो तो विच इज द बेस्ट ट्रेड राइट नाउ, कहां पर ऑटो स्टॉक पे खरीदारी कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले ही कहा, आई थिंक टू व्हीलर्स में अगर करना हो तो आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प इज लुकिंग क्वाइट अट्रैक्टिव। हालांकि आई थिंक मूवमेंट काफी शार्प हो चुकी है दो दिनों में, बट मुझे लगता है जैसे रूरल वॉल्यूम्स 50% कंट्रीब्यूट करते हैं, एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अशोक लेलैंड इज व्हाट वी आर लाइकिंग, एक्सपोर्ट शेयर बढ़ने की उम्मीद है, EBITDA मार्जिन एक्सपेक्टेड टू स्टे 10.5-11%, डिस्काउंटिंग आई थिंक हैज ऑलरेडी पीक्ड ऑफ, तो मुझे लगता है डिस्काउंटिंग जैसे कम हो गया, ऑपरेटिंग लीवरेज बेनिफिट्स विद इंक्रीज इन वॉल्यूम्स शुड प्ले आउट फॉर अशोक लेलैंड। और फोर व्हीलर में मुझे लगता है टाटा मोटर्स अगर डिक्लाइन पे लगता है तो ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। मानस, अभी इंडिकेटिव एक्शन जो चल रहा है इस वक्त, जहां जिन स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी है इंडेक्स में शुमार काउंटर्स में, उसमें अभी भी टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता, बॉश, SBI, PNB, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ स्टॉक्स छाए हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप शुरुआती टिक्स के रुझान को देखने के बाद, इंडिकेटिव एक्शन को देखने के बाद किस स्टॉक पे बैट करेंगे तो कौन सा होगा वो? देखिए मैं प्रेफर करूंगा टाटा स्टील में बैट करना, क्योंकि टाटा स्टील ने ऑलरेडी 260 के लेवल्स को ब्रेक किया जो कि एक बड़ा हर्डल था, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है। अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना हो तो उसके टारगेट करीब करीब 282 के आसपास रहेंगे, और करंट लेवल्स पे स्टॉक को बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉसेस 260 के नीचे लगाने चाहिए। फ्यूचर रिटेल पे नजर रखें, इंडिकेटिव एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 5% की तेजी ऑलरेडी शो कर चुका है, और ट्रेंड हाइपर मार्केट के साथ कर आज इसकी घोषणा हो सकती है, आज इससे बाजार पे इनफैक्ट न्यूज है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर रिटेल जो है वो एक्टिव हो सकता है। मानस, अगर यहां से चढ़ा और 135-134 के लेवल पे खरीदारी का मौका मिला तो आज खरीदेंगे क्या शेयर को आप? देखिए फ्यूचर रिटेल की जहां तक बात है, पैटर्न तो ऐसा लगता है कि एक रेंज में है, 135 और 120 की रेंज में, और अगर 135 के ऊपर निकलता है तो बिल्कुल आप वहां पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं।
इस उम्मीद में कि स्टॉक रिकवरी और दिखाएगा और कम से कम 150-152 के लेवल्स टेस्ट करेगा, तो बाय करना है तो 135 के ऊपर ही करना है और उसके इसमें स्टॉप लॉसेस 128 के लगाने हैं। जी, इस बीच आज जी बिजनेस का स्टॉक ऑफ द डे क्या था, आइए देखते हैं। फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस, जी बिजनेस का आज का स्टॉक ऑफ द डे विद अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 2520। याद रखिए अभी करीब इंडिकेटिव एक्शन में 3% ऊपर 2250-2260 के स्तर पर आ चुका है, लेकिन आज जिस टारगेट को हम टेक्निकली लेके चल रहे हैं वो है करीब 25 रुपए 20 पैसे का। मिड कैप में ही इनफैक्ट हरी, कोई खास स्टॉक जो कि आप लोगों के रडार पे हो इस वक्त, जिस पर आपको लगता है कि पैसा बनना पॉसिबल है और Q3 अर्निंग्स का भी आपको सपोर्ट मिला हो और बजट का सपोर्ट भी मिला हो, हरी आपकी राय, मिड कैप में कोई खास स्टॉक? मेरे ख्याल से कुछ आई वुड से रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज है जो कि मिड साइज कंपनीज हैं और इन्हें जो गवर्नमेंट की एग्रेसिव रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम है इससे काफ़ी हद तक इन्हें बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे दो स्टॉक्स हैं, एक है IRB इंफ्रा जो हमें करंट मार्केट प्राइस पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और दूसरा है जे कुमार जो आई थिंक अगेन इज लाइकली टू बी अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ दिस रोड बिजनेस। तो आई थिंक ब्रॉडली यदि मिड कैप स्टॉक्स देखा जाए तो वी वुड प्रिफर स्टॉक्स लाइक IRB एंड जे more in the infra space and probably a stock like Shobha Developers on the real estate development space. Lekin is beech agar aap indicative action ke crux ko dekhe, indicative action ke crux ko, to aisa lag raha hai ki aaj ki baazi kahin na kahin Swati karobar mein haath mein hogi aur ye aapka metal stocks ki aap Hindalco ko dekhiye 2% ऊपर, टाटा स्टील को देखिए 2% ऊपर, वेदांता को देखिए 2% ऊपर, क्या शानदार तेजी है। हमें छह स्टॉक्स ने पूरे के पूरे बाजार को पकड़ रखा है। आप देखिए टाटा मोटर्स, मेटल्स और एक SBI और PNB, इन छह स्टॉक्स ने अगर आप देखें पूरे के पूरे बाजार को पकड़ रखा है। इस बीच थोड़ा सा मैं एग्जैक्टली आपका ध्यान लेना चाहूंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या हो रहा है इंडिकेटिव एक्शन में, वो स्टॉक जहां पे तेजी है आप आंध्रा बैंक, अगेन बैंकिंग तेजी, मिड कैप बैंकिंग तेजी। उसके बाद सेकंड स्लाइड में देखिए आप बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, यहां पर तेजी है, छोटा स्टॉक है लेकिन फिर भी 2.5 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है इस वक्त। उसके बाद आप देखिए बॉश पे 3.25 रुपए की तेजी, मूव काफी अच्छा खासा, बैंक ऑफ इंडिया अच्छा खासा मूव 2% ऊपर, अच्छी तेजी लेकर कारोबार कर रहा है। एक आप देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, इसमें भी तेजी, यानी बैंकिंग तो चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे, यानी मिड कैप या लार्ज कैप, प्राइवेट स्पेस से हो या फिर PSU स्पेस से, काफी अच्छा खासा मूव। कॉर्पोरेशन बैंक को देख लीजिए क्या शानदार तेजी यहां पे, पूरा का पूरा बास्केट है। DCM श्रेया एक और छोटा स्टॉक जो कि इस वक्त तेज है, लगभग 7.25% ऊपर 128 के स्तर पर, लगभग इंडिकेटिव एक्शन में अच्छा मूव लेके कारोबार कर रहा है। मानस जरा इस चार्ट पे ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा बेस है 100 से लेकर 110, 115, 120 के बीच में। अभी क्या चेज करेंगे आप इस स्टॉक को लॉन्ग साइड पे? देखिए DCM श्रीराम की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि अगर पोटेंशियल की बात करें तो बिल्कुल अभी भी लगता है ऐसा पॉसिबल है कि स्टॉक 132-135 की रेंज में आए, बट प्रेफर करूंगा कि स्टॉक 122 के ऊपर निकले तब आप स्टॉक को लॉन्ग करें और अपने स्टॉप लॉसेस 117 रुपए के नीचे लगाएं। राइट, जैसे आपने बताया रविंद्र, मेटल स्टॉक्स एक्टिव हो सकते हैं। टाटा स्टील पे तो खबर भी है कि जमशेदपुर इकाई की क्षमता विस्तार को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिली है। टाटा स्टील मयूरेश पोर्टफोलियो में एड करने लायक है स्टॉक, और इनफैक्ट मेटल स्टॉक्स पे कमेंट क्या करेंगे बाजार खुलने से पहले? नहीं, एक शॉर्ट टर्म रैली बिल्कुल देखी जा सकती है और जैसे शॉर्ट कवरिंग आ रही है मुझे लगता है जो मेटल्स बीटन डाउन थे एक एक टेम्पररी रिस्पाइट देख सकते हैं। हालांकि आई थिंक जो MIB प्राइसेस इंट्रोड्यूस किए थे उसके वजह से थोड़ा रिस्पाइट आएगा डोमेस्टिक फ्रंट पे, बट ग्लोबल फ्रंट पे आई थिंक अभी भी प्राइसेस सॉफ्ट रहने की उम्मीद है। तो आई डोंट एक्सपेक्ट नंबर्स टू इंप्रूव एक से दो क्वार्टर में, बट ये सेंटिमेंटली एंड फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव स्टॉक बिल्कुल ऊपर जा सकता है। चलिए मयूरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे, काउंटर्स पे आ रखी आपने, इंडिकेटिव एक्शन को थोड़ा सा और देखते हैं।